नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या रेल स्टेशन के निर्माण की बाधा हुई दूर, दूसरे फेज के लिए सरकारी जमीन रेलवे को देगा यूपी सरकार। कानपुर में नेपाल से मुंबई चरस तस्करी, जाजमऊ पुलिस ने 1.25 किलो चरस के साथ युवक को पकड़ा। 100 साल बाद भारत में होगा शतरंज ओलंपियाड, मेरठ पहुंची शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च रैली। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सहित 27 के खिलाफ एफआईआर, इलाका विवाद को लेकर छिड़ी है किन्नरों में लड़ाई। चीफ इंजीनियर इंदु शेखर को नहीं मिली चार्जशीट, आवास विकास परिषद के कमिश्नर अजय चौहान को दी जांच। फर्रुखाबाद पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप, गांव में पीएसी तैनात, एक दिन पहले युवक की गई थी हत्या। प्रयागराज में इश्क के जुनून में लड़की ने बदलवाया जेंडर, कहा अपने शरीर में घुटन हो रही है। गाजीपुर के नवनिर्मित पंचायत भवन में लटक रहा ताला, कार्यालय में अधिकारी रहते हैं नारद, पुल ग्रामीणों में रहा आक्रोश। आज ताजमहल पर कुत्तों की नो एंट्री, दोनों गेट पर लगेगी बैरिकेटिंग, एक कर्मचारी की होगी कुत्ता भगाने की ड्यूटी। प्रयागराज के बिलासपुर आ रही बस खाई में गिरी, 2 बच्चियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। फर्रुखाबाद में सीएमएस की कर्मचारी ने की पिटाई, लोहिया अस्पताल में तैनात है डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। कानपुर में पादरियों की अरेस्टिंग में बैकफुट पर कानपुर पुलिस, 300 से ज्यादा बवालियों की फोटो है। देवरिया में नहीं थम रहे सड़क हादसे, एक महीने में 100 से अधिक की गई जान। आगरा में विधायक की स्कॉर्पियो चोरी का वीडियो वायरल, थाने के गेट से बाइक ले उड़े। वाराणसी में योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, 1550 फीट की ऊंचाई पर सामने से टकराया एहतियातन उड़ान पर चौपर। प्रतापगढ़ में सपा विधायक आर के वर्मा पर मुकदमा दर्ज, मैनेजर ने 6 नामजद और 45 अज्ञात पर किया केस, कहा जानबूझकर गिराई थी कॉलेज की दीवार। गोंडा में नालों की सफाई के लिए किसानों के लिए किया प्रदर्शन, 10 गांव में बारिश के समय हो जाता है जलभराव। लखीमपुर खीरी में महिला लेखपाल से अभद्रता करने पर 2 को जेल, तालाब की भूमि पर हुआ था अवैध निर्माण। रायबरेली में शिक्षक को सपा नेता ने दी धमकी, कहा थाना पुलिस को चाहे जितना पैसा दे दो। गाजियाबाद के बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले का वीडियो वायरल, गाड़ी टच करने का था विवाद। हमीरपुर सड़क हादसे में एक युवक की मौत, नियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। पीलीभीत में सड़क हादसे में महिला की मौत, भाई की शादी से वापस लौट रही थी तेज रफ्तार अर्टिगा ने मारी थी टक्कर। झांसी में खुले में शराब पी रहे 244 लोग पकड़े गए, अभियान चलाकर 337 स्थानों पर छापेमारी कर 547 लोगों को किया चेक। मुरादाबाद में 2 सिपाहियों पर महिला से छेड़खानी का आरोप, सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। छावनी में प्रशासन का सख्त रुख, घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने को ही छापेमारी, 5 सिलेंडर किए जाओ। वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया रेलवे ठेकेदार, लखनऊ में हुई हत्या में पहली पत्नी पर एफआईआर, 15 दिन पहले दी थी धमकी। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज बने बरेली के नए एसएसपी, बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ का कप्तान, मेरठ की कमान। बदायूं में पोते ने दादा दादी की हत्या कर अलग अलग मकानों में फेंका, 3 दिन तक सड़ता रहा शव। हरदोई में विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, 50 साल के भतीजे ने घर में बुलाकर 4 घंटे तक की दरिंदगी, मां को हुआ शक तो छुड़ाया।
ट्रायल रन के लिए टेस्टिंग यार्ड पहुंची रैपिड रेल ट्रेन चालू करने को गुजरात से गाजियाबाद आए इंजीनियर। अलीगढ़ महापौर कार्यालय पर पहुंचे सैकड़ों लोग, गुमशुदा को तत्काल बरामद करवाने का किया अनुरोध। बुलंदशहर में चौपाल लगाकर थानाध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को किया जागरूक। फिरोजाबाद में संस्कृति विभाग की अनूठी पहल, प्रत्येक पंचायत में देश की संस्कृति का किया जाएगा प्रचार प्रसार। पड़ासी में ट्रक चालक की गला रेत कर हत्या, वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर खड़ा था ट्रक। कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर पर गंभीर आरोप, बीसीसीआई और यूपीसीए के नियमों को तोड़ मरोड़ कर की नियुक्ति। पीलीभीत में डीएम आवास पर निकला सांप, कर्मचारियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, 200 मीटर की दूरी पर था परिवार। गोरखपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हमलावर ने पहले दो बहनों को मारा चाकू। हरदोई में दो पक्षों में हुई चाकूबाजी, 3 घायल इलाज के लिए पहुंचे मेडिकल कॉलेज, यहां भी किया बवाल। कुशीनगर में कटान रोकने के लिए बनाए गए 22 बांध, 56 गोताखोरों को किया गया तैनात, 86 राहत शिविर चिन्हित। एटा में फिर चला बुलडोजर, 8 दुकानें हुई ध्वस्त, तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। दो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अमिताभ ठाकुर, वीडियो जारी करके किया ऐलान। आईआईटी बीएचयू में एमटेक के छात्र ने किया सुसाइड, विश्व सरैया हॉस्पिटल में पंखे से लटकता मिला शव, नहीं मिला सुसाइड नोट। कन्नौज में डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाते समय वाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। अमरोहा में गंगा में डूबे युवक का नहीं चला पता, 20 घंटे से चल रहा रेस्क्यू, अंत्योष्टि में होने आया था शामिल। कन्नौज में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, घर में रहने को लेकर था विवाद। गाजीपुर में अग्निपथ योजना का विरोध जारी, बहुजन क्रांति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर में पिता पर लगा बेटी से डिजिटल रेप का आरोप, पत्नी ने पति पर दर्ज करा एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में गैंगस्टर के 20 लाख की संपत्ति, कुर्क 650 वर्ग फीट के प्लॉट को प्रशासन ने किया जब्त। फरुखाबाद में जमीनी विवाद में फायरिंग, महिला के पैर में लगी गोली, 2 बीघा जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद। युवा की आत्महत्या पर वरुण का ट्वीट, लिखा 6 वर्ष के संघर्ष के बाद 4 वर्षों की सेवा कैसे स्वीकारेंगे छात्र। जलौन में सड़क हादसा, ट्रक और जंपर की हुई भिड़ंत, हादसे में 2 घायल, स्टेट हाईवे पर लगा लंबा जाम। अरिया में शरारती तत्वों ने तालाब में डाला जहर, मछलियां मरी, तालाब पर होता है धार्मिक कार्यक्रम। शाहजहापुर में लुटेरे को असलाह बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, चाचा की मौत के बाद खुद चलाने लगा फैक्ट्री। उन्नाव में युवती ने लगाई फांसी, पारिवारिक कलह के चलते जान, घर में सो रहे थे परिजन। हाथरस में बेटे की पिटाई से मां की मौत, पिता घायल, शराब पीकर की थी मारपीट। पीलीभीत में करंट की चपेट में आने से मौत, घर से टहलने निकले थे, पेड़ के सहारे नीचे तक लटक रहा था बिजली का तार। रामपुर में टूटा आजम खां का तिलिस्म, बीजेपी ने दर्ज की भारी जीत, घनश्याम लोधी की शानदार जीत। बदायूं में बंद मकान में मिले दंपति के शव, फैली सनसनी, शराबी पोते पर शक। सावधान गोरखपुर, कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले, कुल मामले 100 के पार। लखनऊ पहुंचेगी चेस ओलंपियाड मशाल, सीएम योगी खेलेंगे विश्वनाथ आनंद संघ शतरंज।
वकीलों का प्रदर्शन, अधिकारी को बनाया बंधक, जीएम और विधायक को भी नहीं मिली एंट्री। मेरठ में एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर हुआ तो जान दे दूंगा, युवक ने कंट्रोल रूम में किया कॉल। महाराजगंज में ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की बढ़ी मुश्किलें, मानकों के विपरीत किया गया भुगतान। कासगंज में प्यार के लिए कासगंज से बांग्लादेश पहुंचा युवक, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। झांसी में सगाई के बाद युवा कारोबारी ने लगाई फांसी, शराब पीकर आया तो मां ने डांटा था। महाराजगंज में छात्रों ने निकाली साइकिल रैली, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस पर लोगों को किया जागरूक। बदायूं में फंदे पर लटकता युवक ने दी जान, परिजनों ने कर दिया दंपति से संपत्ति से बेदखल, पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। अयोध्या में सरयू स्नान करते समय डूबा बहराइच का युवक, पिता को स्नान कराते समय गहरे पानी में चला गया। सिद्धार्थ नगर में नहीं बदली सोच, खुले में जा रहे शौच, सिद्धार्थ नगर को घोषित किया गया ओडीएफ। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर फोड़े स्कॉशाइट, वीडियो वायरल, देश की सबसे लंबी सड़क पर सीसीटीवी कैमरे नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा का बड़ा उलटफेर, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रहुआ की शानदार जीत। प्रयागराज में मजहब छिपाकर मंदिर में की शादी, धर्म न बदलने पर युवती को घर से निकाला, एफआईआर दर्ज। नशा मनुष्य के शरीर को बनाते हैं खोखला, एसपी उन्नाव ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। लखनऊ पहुंचे आर माधवन, पहली फिल्म रॉकेट द नॉम्बी इफेक्ट का किया प्रमोशन। अलीगढ़ में युवती से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी धमकी, एसएसपी ने शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस